Hello, dear all students. I am Sunita from SDS Vidyapeeth. Welcome to SDS Vidyapeeth online classes. So, students, today we are learning how to write small letter of letter L or letter M. Okay? आज हम सीखेंगे अल्फाबेट लेटर L और M का small letters बनाना. Okay? तो जिसके लिए आपको अपने इंग्लिश की नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, ये देखिए हमने इंग्लिश की नोटबुक की तरह यहाँ कॉलम बना लिए हैं 4-4 लाइंस की, जिसमें हम इंग्लिश राइट करते हैं. तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे L और M के स्मॉल लेटर्स बनाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लेटर L सीखेंगे. तो पहले उसके लिए हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर L बनाना है. तो वो कैसे बनता है, पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं इन टू लाइंस में, यानी टू गैप्स में और ये थ्री लाइंस में. फिर उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन बनाते हैं. ओके, वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट वन स्टैंडिंग लाइन एंड आफ्टर दैट वन स्लीपिंग लाइन. ओके, सी और कैपिटल लेटर L इज रेडी. Now we have to learn how to write small letter of L. Okay, so it's very simple. Only you have to draw like this standing line. Again turn after one standing line. Okay, see students, देखिए आपको क्या करना है. जो स्मॉल लेटर L है बहुत ही इजी है. आपको डाउनवर्ड से ऐसे एक अपवर्ड तक एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनानी है राउंड शेप में. फिर उसके बाद आप अगेन यू टर्न ऐसे लेंगे, उसके बाद नीचे वो स्टैंडिंग लाइन ऐसे राउंड शेप में आप एंड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका स्मॉल लेटर L रेडी. तो देखा आपने कितना सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, राउंड शेप में टू स्टैंडिंग लाइन आपको रिपीटेड ऐसे बनानी है. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन लेटर M. सी, ये है कैपिटल लेटर M का. ये हमने कैपिटल लेटर बना लिया. ओके, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लांटिंग लाइन, सेकेंड स्लांटिंग लाइन एंड इन लास्ट वी हैव टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन अगेन एंड योर कैपिटल लेटर M इज रेडी. नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू राइट स्मॉल लेटर ऑफ M. ओके, सी हमें स्मॉल लेटर M जो है वो सिर्फ इसी गैप में बनाना है, सेंटर में जो सेंटर का गैप है उसी में बनाना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक स्टैंडिंग लाइन छोटा सा बनाएंगे जो इन दोनों में टच हो. उसके बाद हम क्या करेंगे, वन राउंड शेप लाइन यहाँ पे, अगेन उसके ऊपर से एक और राउंड शेप लाइन ऐसे बनाएंगे. ओके, कर्व लाइन जिसे हम कहते हैं. तो सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. ओके, एंड देन आफ्टर वन कर्व लाइन एंड अगेन वन कर्व लाइन. ओके, एंड योर स्मॉल लेटर M इज रेडी. आपको भी यह बनाने में बहुत ही मजा आएगा, आप अपने नोटबुक में इसे जरूर बनाने के लिए ट्राई करें और इन स्मॉल लेटर्स को बनाना जरूर सीखें. तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं L फॉर क्या होता है और M फॉर क्या होता है. L फॉर लॉयड, L फॉर लॉयड एंड M फॉर मैंगो. L फॉर लॉयड एंड M फॉर मैंगो. तो स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से ये अल्फाबेट राइट करने के लिए सीखेंगे और साथ ही साथ इनके वर्ड्स बनाना भी सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.